नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का प्रियंका गांधी पर तंज कसते हुए कमलनाथ पर साधा निशाना। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पत्रकार वार्ता कर कल हुए मंडल में प्रियंका गांधी के कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस को आड़े हाथों लिखते हुए कहा कि मित्रों, गांधी परिवार ने पहले सबको ठगा था, लेकिन कमलनाथ गांधी परिवार को ही ठग रहे हैं। कल जिस तरह से प्रियंका जी से घोषणाएं करवाई गई, मैंने वह वीडियो देखा। कई घोषणाएं करके बैठ गई, बोले एक और करो, अच्छा पता नहीं बोलने के पहले उन्होंने पढ़ा कि नहीं पढ़ा। मैडम बोलती हैं कि अभी अभी एक और घोषणा मुझे बताइए, कक्षा एक से लेकर 12वीं तक बच्चों की स्कूली शिक्षा निशुल्क होगी। फिर भाषण शुरू हो गया, कमलनाथ जी फिर टोक रहे हैं प्रियंका जी को, करेक्शन करा रहे हैं। प्रियंका जी बोलती हैं आप ही बोलिए, बोलते हैं नहीं नहीं आप ही बोलिए। फिर वह दोबारा पढ़ती हैं, एक से लेकर 8वीं तक 500 देंगे, 9वीं से लेकर 10वीं तक 1000 देंगे, 10वीं से 12वीं तक 1500 हर साल देंगे। फिर सुरजेवाला जाते हैं, कहते हैं हर साल नहीं हर महीना। फिर मैडम कहती हैं लिखा तो इसमें हर साल है। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि पहले कुछ लिखते हैं फिर पढ़ने का कहते हैं, कितने गंभीर है वह कि हर साल में काम नहीं चलेगा तो हर महीने आ जाओ। मित्रों, वोट के लिए इस तरह से छूट बुलवाना, पहले भी राहुल बाबा से कहलवा दिया कि 10 दिन में कर्ज माफ नहीं तो 11वें दिन मुख्यमंत्री बदल देंगे। राहुल तो कह गए देखना उतना ही करना, लेकिन जबरदस्ती पढ़वा रहे, पढ़ दो, लेना देना थोड़ी है। ये कांग्रेस की कंफ्यूज करो और वोट लो की नीति है। भोपाल से न्यूज 69 के लिए आदिल खान की रिपोर्ट। मित्रों, गांधी परिवार ने पहले सबको ठगा था, लेकिन कमलनाथ गांधी परिवार को ही ठग रहे। कल जिस तरह से प्रियंका जी से घोषणाएं करवाई गई, मैंने वो वीडियो देखा है। कई घोषणाएं करके बैठ गई, बोले एक और करूं, अच्छा पता नहीं बोलने के पहले उन्हें पढ़ा कि नहीं पढ़ा। और मैडम बोलती है कि अभी अभी एक और घोषणा मुझे बताई गई, बताई है, कक्षा एक से बारहवीं तक बच्चों की स्कूल की शिक्षा निःशुल्क होगी। और फिर भाषण शुरू हो गया, फिर कमलनाथ जी फिर टोक रहे हैं प्रियंका जी को और करेक्शन करा रहे हैं। तो प्रियंका जी कहती आप ही बोलिए, वो कहते नहीं नहीं, अरे नहीं आप ही बोलिए। और फिर वो दोबारा पढ़ती हैं, एक से आठवीं तक 500 देंगे, 9वीं से 10 तक 1000 देंगे, 10 से 12 तक 1500 हर साल देंगे। फिर सुरजेवाला जाते हैं, हर साल नहीं हर महीना। फिर मैडम कहती कि लिखा तो इसमें हर साल है। अब आप कल्पना कर सकते हैं, पहले कुछ लिखते वो पढ़ने का कहते, कितने गंभीर हैं वो कि इससे काम नहीं चलेगा, हर साल तो हर महीने भी आ जाओ, ना लेना है देना है, अपने बाप का क्या जाता है, हर महीना बोलो। मित्रों, वोट के लिए इस तरह से झूठ बुलवाना, अच्छा पहले भी राहुल बाबा से कहलवा दिया कि 10 दिन में कर्जा माफ, नहीं तो 11वें दिन मुख्यमंत्री बदल देंगे। और बेचारे राहुल तो कह के देखना उतनी करना, लेकिन जबरदस्ती करवा रहे, पढ़ दो पढ़ दो पढ़ दो, लेना देना थोड़ी है। ये कांग्रेस की कंफ्यूज करो और वोट लो। लेकिन मित्रों, इनका पुराना घोषणा पत्र देख लें, वचन पत्र, वचन तो कई थे, लेकिन इनने कहा था साले स्तर के बच्चों को गणवेश, पाठ्य पुस्तक, अन्य पठन की उच्च कोटि की सामग्री निःशुल्क उपलब्ध कराएंगे। ये कह के मामा जो लैपटॉप दे रहा था वो लैपटॉप देना बंद कर दिया।
साइकिलें बंद कर दी, मेधावी विद्यार्थी योजना ठंडे बस्ते में डाल दी इनने, अरे बच्चों की फीस तक छीन ली, फीस तक नहीं भरवाई। अब कह रहे हैं निशुल्क घर देंगे, प्रधानमंत्री जी ने जो घर भेजे वो घर लिए नहीं गरीबों के लिए, ले जाओ वापस, मुझे नहीं देना। स्टेट के शेयर जो होता है 40% को पैसा नहीं दिया। ये मोदी जी के मकान छीनने वाले, ये बच्चों के लैपटॉप और साइकिल छीनने वाले, ये बच्चों की फीस छीनने वाले, फिर ठगने आ गए। और ठगने के पहले ये तय भी नहीं कर पाते महीने की कहना है कि साल की कहना है। ये कांग्रेस का झूठ है, लगातार झूठ बुलवा रही है राहुल गांधी जी से, प्रियंका जी से, लेकिन ये पब्लिक है, सब जानती है। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।